आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने पर्सनली डीएम करके भी बोला था बनाने को। सो फाइनली आज हम करने वाले हैं एवरीडे मेकअप लुक। मैं ज़्यादा कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ तो नहीं करती हूँ, बट मैं जितना भी करती हूँ ना एवरीडे में, जो भी मैं रील्स बनाने में करती हूँ, सो मैं आज आप लोग को वही करके दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, बस मॉइस्चराइजर लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। थोड़ा सा प्राइमर से क्या होता है ना, थोड़ा सा एक चुटकी प्राइमर नहीं, थोड़ा सा क्या बोल रही हूँ, थोड़े से प्राइमर से नहीं, प्राइमर से ना। अरे कहना क्या चाहते हो, स्किप करो इस पार्ट को, बस स्किप करो, बस स्किप करो। सो कंसीलर के लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर। वैसे कभी कभी मैं इनसाइड का भी लगाती हूँ, बट आज मैं ये वाला लगाऊंगी। तो बस थोड़ा सा कंसीलर, बहुत डार्क सर्कल है ना, सो बस उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए चलिए कंसीलर को लगा लेते हैं। और वैसे ज़्यादा कुछ फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, बट कंसीलर इसलिए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा। सो बस इसके बाद लगाऊंगी मैं कॉम्पैक्ट साथ ब्लशर और लाइनर लिपस्टिक, बस ये सब मैं लगाती हूँ। बट कुछ लोग को लगता है बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, कुछ लोग डीएम करके बोलते हैं कि 5 किलो मेकअप लगाया दिस एंड दैट। नहीं, वो मेकअप के बाद ना थोड़ा फिल्टर लगा लो, थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है, बट मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल कर लेती हूँ, बस थोड़ा बेसिक मेकअप। हाँ, सो कॉम्पैक्ट में यूज़ करी हूँ लैकमे का रोज लूज पाउडर। अरे यार छोटा गया, फिर बस थोड़ा सा अंडर आई पे ताकि सेट हो, जिससे बहुत हाइपर हो जाती हूँ मैं हमेशा मेकअप करने में, बहुत क्योंकि ना मुझे बहुत जल्दी मेकअप करना होता है, बस 10 मिनट में, 10 भी बहुत ज़्यादा, 5 मिनट में मेकअप करती हूँ मैं यार। सो मैं फाउंडेशन स्किप करती हूँ क्योंकि ना डेली फाउंडेशन लगाने से स्किन भी डैमेज हो जाती है। अगर आपको लगाना है तो आप बीबी क्रीम लगा सकते हो, बट मैं सिर्फ कंसीलर लगा लेती हूँ, उससे भी ठीक लगता है, अच्छा लगता है। सो बस ये, उसके बाद ब्लशर। और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं आई शेडो लगा लेती हूँ जब कुछ सूट टाइप पहनती हूँ, वरना तो मैं ब्लशर को ही अपना बस ब्रश से लगा लेती हूँ एज आई शेडो, थोड़ा पिंकी सॉफ्ट मेकअप हो जाता है उससे बस ना। और लाइनर तो मैं स्टार्टिंग से लगाती हूँ, मुझे लाइनर लगाना बहुत पसंद है इसलिए, बट बहुत टफ लगता है बीबी लाइनर लगाना। और कमेंट में जरूर बताना कि किसको लाइनर लगाना बहुत टफ लगता है, बट बहुत से लोग ऐसे हैं, बट मैं डेली लगाती हूँ ना, सो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई। सो अभी मैं लगाऊंगी ब्लशर पिंक सॉफ्ट, सब कुछ फिल्टर में बहुत ज़्यादा लगता है, लाइक थोड़ी सी लिपस्टिक एकदम रेड हो जाती है पिंक, मैं डेली पिंक लगाती हूँ यार, बट वो थोड़ी रेड हो जाती है, कभी ब्राउन हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादातर ऐसी करती हूँ, मैं सूट तो बहुत ही कम पहनती हूँ ना, सो बहुत कम ही सिस्टर कर देती है बस मेरा, वरना मैं खुद ही करती हूँ, तो मैं बस ये लगाती हूँ जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। सो अभी हो गया, बस मैं इसी को थोड़ा सा ब्रश में लूँगी और यही मैं अपने आईज पर भी लगा लूँगी, और बस विदाउट कभी कभी विंग लगा लेती हूँ, बट मैं ज़्यादातर विंग के बगैर लगाती हूँ क्योंकि विंग लाने बहुत टाइम लगता है, कम से कम 5-6 मिनट तो चाहिए, सो इतना टाइम ही रहता है क्योंकि मैं 5 मिनट में पूरा मेकअप कर लेती हूँ, सो मैं ना अक्सर स्किप कर देती हूँ लाइन विंग बनाना। और कभी कभी जो ब्लैक आई शेडो होता है ना, मैं उसको ग्रीस लाइन पर लगा के थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट टफ पार्ट इन मेकअप, मतलब बहुत लोग ना कभी कभी तो मेकअप खराब जाता है, पूरा बेस कर लो सब कुछ, अगर लाइन खराब हो जाए तो मुँह धोना पड़ जाता है, और ना ये दिखाना बहुत मुश्किल लाइन लगा कि मतलब या तो खुद देख सकती हो या तो दिखा सकते हो। सो जब भी मैं ना वीडियो बनाने में लाइन लगाती हूँ हमेशा ख़राब हो जाता है जीटी वगैरह, मैं फिर से साफ़ करके फिर से लगाती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, बट डन। सो विदाउट विंग लाइनर लग गया हमारा बहुत ही, सो लाइनर इज़ डन। अब बारी आती है हाईलाइटर की, थोड़ा सा हाईलाइटर लगाते हैं, बट ना फिल्टर लगा के धूप में बहुत ज़्यादा शाइन करता है, सो ऐसा लगता है कि बहुत मेकअप है, उसमें भी ऐसा लगता है, बट नहीं मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लगाती हूँ, लगा लेती हूँ हाईलाइटर थोड़ा सा। वाओ क्या शाइन आती है हाइलाइटर, थोड़ा सा हाइलाइटर मेकअप कंप्लीट कर देता है। वैसे मस्कारा बहुत ज़रूरी होता है मेकअप में, उससे थोड़ी लैशेज कर्व हो जाती है, बट मैं बिल्कुल मैं बहुत कम लगाती हूँ, बट आज मैं लगा लेती हूँ मस्कारा, थोड़ा सा ना लैश कर लगती है, बट मेरी लैश इतनी छोटी है ना, लगा के भी नहीं दिखती है और बगैर लगाए भी नहीं दिखती है। सो अभी मैं लगा लिया लिप बाम, वो भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे लिप्स हाइड्रेट रहें और डैमेज ना हो, और लिपस्टिक भी थोड़ी सी ड्राई नहीं लगती है एकदम, क्योंकि मैं लिक्विड लिप से अप्लाई करती हूँ तो बहुत ड्राई लगती है बगैर लिप बाम के, सो बट विद लिप बाम काफ़ी अच्छी होती है। सो मैं यहाँ पे एक न्यूड शेड लगा रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा कपड़ों से मैच हो, इसलिए न्यूड। मैं ज़्यादा डार्क लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, लाइक पिंक और न्यूड और ब्राउन, बस ये तीन शेड, रेड तो मैं लगाती नहीं हूँ, बट फिल्टर में कुछ रेड हो जाती है, मरून हो जाती है, पिंक और न्यूड कभी नहीं रहती है, मतलब न्यूड तो होती नहीं है हमेशा। ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड है, सो इसके ऊपर मैं थोड़े सा ना डार्क पिंक सा लगाऊंगी शेड, लिपस्टिक भी बहुत डार्क है ना, सो इसलिए मैं कभी कभी बस लिप बाम लगा के इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। सो लिपस्टिक इज डन, अभी मैं मस्कारा लगा लेती हूँ, हबी भी
अभी मैं मस्कारा लगा लेती। मस्कारा लगाना भी बहुत टफ पार्ट है यार, मतलब ये तो अल्लाह ने तो फिर भी एक टाइम को साफ हो सकता है, बट मस्कारा साफ नहीं हो सकता। फेविकोल, ये फेविकोल है ब्लैक कलर का, हमारी बहुत सारी लैशेस को ना ये दो चार बाल बना देता है बस। थोड़ा जूम करके दिखा, थोड़ी देर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कर्व हो जाती है, बट थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल नॉर्मल बैठ जाती है, बेकार लगने लगती है। जैसे लगाया ऐसे ही रहे तो कितना अच्छा लगेगा, वैसे मेरी लैशेस किसी वीडियो में नहीं दिख रही हो। सो नीचे तो मैं बिल्कुल ही लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं कंसीलर लगाती हूँ ना, सो अगर वो ख़राब हो गया तो पूरा पूरा सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं पता है टाइम तो रहता नहीं, क्योंकि मैं जल्दी से करती हूँ, 10 मिनट में मेकअप करती हूँ ना। सो मुझे अभी तो मैंने बहुत टाइम लगा दिया, 20-30 मिनट लगा दिए, बट फिर भी मैं बस 10 मिनट में करती हूँ, 7-8 मिनट जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी। सो ये है मेरा एवरीडे मेकअप लुक जो मैं डेली करती हूँ, बट कभी कभी उस लिपस्टिक चल जाती है, बट यही रहता है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इंस्टाग्राम फिल्टर में कैसा लगता है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये रहा मेरा मेकअप इंस्टाग्राम फिल्टर में, ऐसा लगता है धूप में और ज़्यादा डार्क हो जाता है, बट अभी नॉर्मल लग रहा है। नाइस नाइस। सो ये रहा मेरा एवरीडे मेकअप लुक, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और कुछ दिन पहले मैंने एक पोल भी डाला था, उसमें मेरा था हेयर केयर रूटीन या फिर एवरीडे मेकअप लुक। सो 2800 समथिंग हेयर केयर पे आए थे और 2700 समथिंग आए थे, मतलब कुल मिला के बेसिकली हेयर केयर रूटीन पे ज़्यादा थे, बट मैंने वो पहले नहीं अपलोड करी क्योंकि मैं पहले ये वाली शूट कर रही हूँ। सो वो वाली वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी हेयर केयर रूटीन वाली, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। ये दोनों ही व्लॉग बहुत रिक्वेस्टेड है, और आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, लड़कियों को खास करके, क्योंकि इन्होंने मुझे पर्सनली DM किया था कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊँ। सो दिस इज़ फॉर यू गर्ल्स, और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। सो अच्छी लगी हो सो चैनल को सो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।